अविवेश यादव का नाम जब भी आता है तो उनके साथ में आप राव साहब का सॉन्ग जरूर देखते हैं। इस गाने को इतना ज़्यादा ट्रेंड कहाँ से मिला और ये गाना सुपरहिट होकर एलविश का ब्रांड सॉन्ग कैसे बन गया, इसके पीछे की हिस्ट्री लक्ष्य चौधरी ने अपने व्लॉग में रिवील कर दी कि कैसे राव साहब एलविश यादव का ही गाना बन गया। आइए देखते हैं कि लक्ष्य चौधरी ने आखिर क्या बताया था इस बारे में। देखो एक चीज, पहले तो इस गाने की मैं हिस्ट्री बताता हूँ। इस गाने की इतनी तगड़ी हिस्ट्री है, मैं और एलविश फुकरा के इवेंट पे गए थे लगभग सवा साल पहले, और एलविश ने एक चलने वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैं था, एलविश था, फुकरा था, अज्जू थे, सब थे। उस रील पे एलविश ने अपलोड करी थी, बस चल के आ रहे स्लोमो में। उस रील पे पहली बार एलविश ने वो वाला गाना लगाया था। तो मुझे लगा मैं कैसे रीजनल सॉन्ग है जैसे हमारा जट्टा का छोरा, पर वो है कि इस गाने ने वही है, ये गाना फिर मेरे दिमाग में रेंट फ्री रहा उस दिन से। तब से ये गाना इतने मीम पे, इतने सब जगह, इतनी जगह चला, फिर एलविश ने बहुत ज्यादा यूज कराया वाला गाना, तब ये पहली बार गाना डाला था उसने तब। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एलविश यादव का वो गाना सबसे पहली बार हिट हुआ था। आपको स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।